मेरा नाम अरबाज खान है, मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अब सॉलिड स्टेट चैप्टर में यूं तो आपके कई तरह के डिफेक्ट्स हैं, जिसमें से दो डिफेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें एक है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। ये दोनों ही आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, जिसके अंदर आपके कंपाउंड का, आपके क्रिस्टल का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो देखो, पहला है शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर मैं शॉटकी डिफेक्ट को बोलूँ तो ये मेरा कुछ मुझे लगता है ऐसे शॉर्टकट टाइप का या शॉर्टेज टाइप की कोई चीज़ हुई है। तो यहाँ क्या होता है, देखो फॉर्मूला मेंटेन करके रखना है और इवन आपको क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बना के रखना है। तो आपका क्रिस्टल मान लो कुछ ऐसा है कि यहाँ आपके एनायन, यहाँ आपका कैटाइन, यहाँ आपका एनायन, यहाँ आपका कैटाइन, यहाँ एनायन, यहाँ कैटाइन, यहाँ पे कैटाइन एनायन, कैटाइन एनायन, कैटाइन एनायन। फिर से एक और बना देते हैं, एक एनायन, एक कैटाइन, एक एनाइन और एक कैटाइन, एक एनाइन, एक कैटाइन। तो अब देखो इस तरह के क्रिस्टल में क्या होता है, आपका शॉर्टेज हो जाता है। शॉर्ट की नाम से क्या याद रखोगे आप, शॉर्टेज। और दोनों कैसे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो भी शॉर्टेज होगा वो बराबर से हमें कवर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला क्या करना है, मेंटेन करना है। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, आपका सोचो कि एक एनाइन मिस हो गया, अगर एक एनाइन मिस हो गया तो आपका एक कैटाइन भी वहां से मिस हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या बना के रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाकर रखनी है। लेकिन आप देखोगे कि कंपाउंड आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया है, लेकिन यहां पर क्या हो गई है, उसकी दो वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। प्लस आपने क्या देखा कि यहाँ जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल है वो भी क्या हो गई है, आपकी डिक्रीज हो गई है। अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ तो दुनिया का आपका कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी, क्योंकि डिसऑर्डरनेस क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अब आपका दूसरा तरह का डिफेक्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसे आप याद रखोगे फ्रेंक वर्ड से। देखो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास दो लोग हैं, एक ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और एक ये बड़ा आदमी है, चलो इनके नाखून भी बना दिए अपन ने, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से आपको कौन ज्यादा फ्रैंक लग रहा है? जाहिर सी बात है एक छोटा बच्चा आपको फ्रैंक लग रहा है। आपके क्रिस्टल में दो चीजें होती है, एक कैटाइन होता है और एक एनायन होता है। बोलो छोटा कौन होता है? आपका कैटाइन छोटा होता है। तो देखो इस क्रिस्टल में क्या है, ये कैसा है कैटाइन, आपका फ्रैंक है। कैसा है? फ्रैंक है। तो फ्रैंक है क्या है, दूसरों के घरों में चला जाता है, घुल मिल जाता है उनके बीच में। तो हम कुछ ऐसा क्रिस्टल बनाते हैं इसका, तो यहां पर आपका एनाइन, फिर आपका कैटाइन, एनाइन फिर आपका कैटाइन, एनाइन फिर आपका कैटाइन, और ये भी एनाइन। इवन यहां पर ये कैटाइन, ये आपका एनाइन, ये कैटाइन, ये आपका एनाइन, ये कैटाइन, ये आपका एनाइन, ये कैटाइन। अब देखो यहां क्या होता है, आपका जो छोटा है, छोटा कौन है, कैटाइन, वो क्या बहुत फ्रैंक है, तो वो अपने घर को छोड़कर किसी और के घर के अंदर चला गया और वहां बातचीत कर रहा है। यहां पर आपका ये आ गया कैटाइन यहां से, और यहां आपकी क्या बन गई, एक वैकेंसी बन गई। मतलब कैटाइन क्या करता है, यहां जाकर इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाता है। लेकिन आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिकली तो ये आज भी न्यूट्रल है, जैसे कि यहां भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रिकली तो ये आज भी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो सेम ही रही, इसकी डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई, क्योंकि ये जो कैटाइन था ये तो सेम क्रिस्टल के अंदर था ना, मतलब ये सेम कॉलोनी के अंदर है। अगर मैं कॉलोनी की डेंसिटी निकालूं या कॉलोनी की पॉपुलेशन निकालूं तो वो तो उतने ही है, पर वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ का कहाँ आ गया, इधर आ गया।